हेलो फ्रेंड्स, मेरा रविकांत है और कॉम्पिटिटिव वर्ड नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे ज्योमेट्री का पार्ट टू और इसमें देखेंगे हम लाइन एंड एंगल के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम कैसे इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो ज्योमेट्री का सेकंड पार्ट। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक है। ए बी और सी डी ये दो लाइंस हैं, क्या हैं पैरेलल। इसमें हमने पता करना है एंगल एफ एक्स ई किसके इक्वल है, ठीक है। जो सेंटर में होता है बेसिकली हम वो एंगल फाइंड आउट करते हैं। सेंटर में क्या है एक्स, हम एफ एक्स ई मीन्स टू से ये एंगल हम पता करेंगे यहाँ पे कि इसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। आई होप आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट देखा होगा। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि कैसे जो लाइन एंड एंगल्स की प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती हैं, कैसे हम उनको सॉल्व करेंगे। क्लियर है गाइस? यहाँ पे मैं डायरेक्ट बताता हूँ कि हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो कि हमने ये इंटरनल एंगल पता करना है, एंगल एक्स। कैसे पता कर सकते हैं हम, ये जो लाइन है सी डी, ठीक है, ये जो लाइन है सी डी, सी डी के ऊपर ये जो टोटल एंगल होता है वो कितना होता है, टोटल एंगल 180 डिग्री होता है, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। हमने फर्स्ट पार्ट में ये पढ़ा था, ठीक है। यहाँ पे देखो ये क्या एंगल 110, ये क्या एंगल 30। ये एंगल कितना होगा यहाँ पे, ठीक है। लाइन सी डी, ये हम एंगल निकाल लेते हैं 110 प्लस, इसको हम एक्स मान लेते हैं, सपोज करो एक्स प्लस ये एंगल कितना 30। ये टोटल एंगल किसके इक्वल है, 180 डिग्री के इक्वल है। हम यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं 180, 110 प्लस 30 यहाँ पे कितना होता है 140, ये उस साइड माइनस में जाएगा। यहाँ से एक्स कितना आ जाएगा हमारे पास 40 डिग्री, ठीक है। हमें ये अंदर वाला एंगल पता चल चुका है कितना है, ये 40 डिग्री है। क्लियर है गाइस? अभी हमने फर्स्ट पार्ट में प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर ये दो लाइंस पैरेलल हैं और ये क्या एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ये दोनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है दोनों एंगल्स का सम, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये एंगल है इसको अभी मैं क्या मान लेता हूँ, वाई मान लेता हूँ। क्लियर है? अब ये दोनों एंगल्स का जो सम होगा किसके इक्वल है, 180 के इक्वल है। हम यहाँ पे ले लेते हैं, ये कितना होगा, टोटल एंगल होगा y प्लस 50। यहाँ पे मैं y प्लस 50 ले लेता हूँ प्लस, और यहाँ पे ये टोटल सम होगा, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने कहा है ना कि ये जो टोटल एंगल होगा, ठीक है, इसको बेसिकली यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ऊपर 40 डिग्री नीचे 30 डिग्री, ठीक है, ये दोनों का सम। 40 प्लस 30, अभी ये टोटल जो लाइंस हैं, ठीक है, यहाँ पे ये जो दोनों एंगल्स हैं ये हमने ले लिए हैं, दोनों का जो सम है वो किसके इक्वल है यहाँ पे 180 डिग्री के। क्लियर है गाइस? आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। बेसिकली क्या है कि इस लाइन को हमने ऐसे फिगर है, हम ये दोनों एंगल्स ही लेके चलेंगे, मीन्स टू से ये टू ऊपर वाले और टू ये नीचे वाले, टोटल 4 एंगल्स हमने ये ले लिए। यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं कितना आएगा, 50 प्लस 40 90, 90 प्लस 30 120, ये इक्वल टू के उस साइड माइनस में चला जाएगा। यहाँ से y कितना आ जाएगा हमारा, 60 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है गाइस? ये हमारा कितना आ गया, 60 डिग्री। अभी जो यहाँ पे फिगर मैं नीचे साफ साफ बना लेता हूँ, इसको हम इजी वे से फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर ये एंगल कितना है हमारा, 60 डिग्री, ये एंगल हमारा कितना आया, 40 डिग्री। ये एंगल हमने पता करना है, इसको हम कुछ भी एंगल जेड मान लो, ठीक है। एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम यहाँ पे कितना होता है, 180 डिग्री। यहाँ पे अगेन ये प्रॉपर्टी लगा दो, 40 प्लस 60 प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से जेड कितना आ जाएगा, 180 माइनस 60 प्लस 40 कितना होता है 100, इक्वल टू के उस साइड में माइनस में जाएगा, कितना आ जाएगा, 80 डिग्री। यहाँ से जो हमने एंगल पता करना था एफ एक्स ई वो कितना आ जाएगा यहाँ पे, एफ एक्स ई इज इक्वल टू 80 डिग्री। ये गाइज हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। गाइज, अगर आपने फर्स्ट पार्ट देखा है, वो जो प्रॉपर्टीज मैंने करवाई थी, अगर आपको क्लियर है तो आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाएगा। अदरवाइज आप इसको रिवर्स करके फिर से देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। क्लियर है गाइज? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इन द गिवन टू स्ट्रेट लाइन्स, ठीक है, दो स्ट्रेट लाइन है पी क्यू और आर एस, ठीक है, पी क्यू ये लाइन होगी, ठीक है, पी क्यू और आर एस ये दो स्ट्रेट लाइन्स हैं जो इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट ओ, ओ पे इंटरसेक्ट कर रही है ये, ठीक है। एंगल एस ओ टी हमें कितना गिवन है, एंगल एस ओ टी 75 डिग्री, हमने ए बी सी की वैल्यू यहाँ पे पता करनी है, क्लियर है गाइस। सो जैसा कि हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल कितना होता है 180 डिग्री। सो ये जो देखो पी क्यू यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, पी क्यू अगर मैं इसको यहाँ पे ले लेता हूँ पी क्यू, सो पी क्यू के ऊपर ये जो नीचे स्ट्रेट लाइन है ये पूरा एंगल कितना होगा 180 डिग्री। सो यहाँ पे हम तीनों एंगल्स हैं, ये जो तीनों एंगल्स हैं इनको हम प्लस कर लेते हैं यहाँ पे। सो 4b प्लस 75 प्लस b इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 4b प्लस 1b कितना आ जाएगा, 5b आ जाएगा, इज इक्वल टू 180 माइनस 75। सो यहाँ से 5b कितना आ जाएगा, 105 आ जाएगा, और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21 आ जाएगी, क्लियर है गाइस। सो b की वैल्यू 21 यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। सो हम यहाँ पे टिक करके आगे क्वेश्चन की ओर मूव कर सकते हैं, क्लियर है गाइस। लेकिन सपोज करो अगर दो ऑप्शन यहाँ पे सेम है तब हमको ए और सी की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। अभी हम वो वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सो अभी हम क्या करते हैं, जो लाइन है एस आर लेते हैं, लाइन एस आर, ठीक है, लाइन एस आर के ऊपर क्या है, ये जो टोटल एंगल्स का सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री। सो यहाँ पे क्या है, 4b प्लस 2c इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो b की वैल्यू अभी हमने निकाली कितनी, 21। सो 21 यहाँ पे पुट कर देंगे, प्लस 2c इज इक्वल टू 180। सो यहाँ से 2c कितना आ जाएगा, 180 माइनस 21 को 4 से करेंगे कितना आ जाएगा, 84। सो 2c इज इक्वल टू 180 माइनस 84 कितना आएगा, 96। सो 2 से 96 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, कितने पे, 48 पे। सो c की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 48। सो c की वैल्यू यहाँ पे 48 आ रही है, क्लियर है गाइस। सो अभी हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू को निकालेंगे। सो ए की वैल्यू को निकालेंगे कैसे, हम यहाँ पे पी क्यू ले लेते हैं लाइन, पी क्यू स्ट्रेट लाइन है। सो ये जो टोटल एंगल है स्ट्रेट लाइन के ऊपर कितना होता है, 180 डिग्री। सो यहाँ पे 2c प्लस a इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। c की वैल्यू अभी हमने कितनी निकाली, 48। सो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस a इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो a इज इक्वल टू 180 माइनस 48 मल्टीप्लाई टू 96 होता है, सो इक्वल टू के उस साइड ये माइनस में चला जाएगा। सो a इज इक्वल टू 180 माइनस 96 कितना होता है यहाँ पे, 84। सो यहाँ से a की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 84 डिग्री। सो यहाँ पे देखो ए की वैल्यू कितनी है, 84, क्लियर है गाइस। कि इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ही इजी होते हैं, अगर आपको प्रॉपर्टीज आती हैं कि कैसे हम उनको अप्लाई करेंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ L1 पैरेलल टू L2, ठीक है, दो लाइंस गिवन है, L1 और L2 क्या है, पैरेलल है। सो इन द गिवन फिगर बिलो, ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, सो हमने एक्स की वैल्यू पता करनी है। सो यहाँ पे देखो कि हमें L1 और L2 ये दो लाइन पैरेलल गिवन है, लेकिन हमें L3 और L4 के बीच में कोई रिलेशन नहीं पता। सो इनके बीच में हमें कोई रिलेशन नहीं पता, सो हम यहाँ पे एक्स और एटी को हम नहीं देख सकते कि इनके बीच में क्या रिलेशन होगा, क्लियर है गाइस। सो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। सो इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अगर यहाँ पे हमें L3 और L4 के बीच में कोई रिलेशन गिवन होता, कि सपोज करो कि L3 पैरेलल टू L4, सो ये हमें कह देते, फिर क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाता, ठीक है। अगर L3 पैरेलल टू L4 होता तो ये क्या होते, दोनों क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स होते, ठीक है, ये एंगल एक्स है तो ये भी एंगल क्या होता है, एक्स होता, ठीक है। सो उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को इजिली फाइंड आउट कर सकते थे, अगर हमें L3 और L4 लाइन के बीच में कोई रिलेशन गिवन होता, क्लियर है। सो अभी हम यहाँ पे क्या टिक करेंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्लियर है गाइस। सो
सपोज कर लेते हैं कि हम यही कंडीशन यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं कि L3 पैरेलल टू L4, ठीक है, हम यही क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सो ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये x डिग्री है, तो ये भी कितना होगा, x होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो कि अल्टरनेट, सो यहाँ पे क्या होता कि ये जो क्रॉस्पॉन्डिंग एंगल, सो हमने यहाँ पे ठीक है पढ़ा था कि अगर क्रॉस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल, अगर ये 80 डिग्री है तो ये भी 80 डिग्री होगा, ठीक है। अगर ये ऊपर वाला 80 डिग्री हो जाता है यहाँ पे, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये दोनों का सम कितना होगा यहाँ पे, 180 डिग्री। अगर ये 80 डिग्री है तो ये कितना होता है यहाँ पे, 100 डिग्री होता है यहाँ पे। सो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या आ जाता, बी। अगर हमें यहाँ पे लाइन L3 और L4 भी क्या देते, पैरेलल लाइंस दे देते। क्लियर गाइस? सो बट इसका एक्चुअल में आंसर कितना है, सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, यहाँ पे हमें ए बी और सी डी क्या गिवन है, पैरेलल गिवन है। सो ए बी एफ 45 डिग्री है, सी एफ डी यहाँ पे 110 है। सो हमने यहाँ पे एंगल एफ डी सी, ठीक है, यहाँ पे जो सेंटर में क्या है, डी। सो हमने ये डी एंगल पता करना है यहाँ पे कितना आएगा। क्लियर है गाइस? सो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखो यहाँ पे ए बी पैरेलल टू क्या है, सी डी, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमें ऐसे क्रॉस गिवन है, सो ये एंगल क्या है, 45 डिग्री। सो हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, दोनों इक्वल्स होते हैं। सो अल्टरनेट, ये इंटीरियर एंगल, यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं, ठीक है। जो हमने फर्स्ट पार्ट में प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ठीक है, स्टडी किया था, उसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम होते हैं, ठीक है, अगर दो लाइंस पैरेलल है और उसके बीच में एक ट्रांसवर्सल लाइन मूव कर रही है, ठीक है। सो यहाँ पे ये 45 डिग्री है, तो ये कितना होगा, यहाँ पे 45 डिग्री होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हमने ये एंगल पता करना है, इसको हम मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं। सो ये तीनों एंगल्स का सम किसके इक्वल होगा, ट्राइंगल में 180 के। सो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं, 110 प्लस 45 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 110 प्लस 45 कितना होता है, 150 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। सो इक्वल टू के उस साइड किस में जाएगा, ये माइनस में जाएगा। सो एक्स यहाँ से कितना आ जाएगा, 25 डिग्री आ जाएगा। सो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। सो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी। सो ए बी और सी डी लाइन यहाँ पे क्या है, पैरेलल है। सो हमें यहाँ पे गिवन है एंगल बी ए ई, एंगल कितना, 45 डिग्री गिवन है। डी सी ई एंगल है जो, डी सी ई 50 डिग्री गिवन है, और एंगल सी ई डी, ठीक है। सो सी ई डी ये एंगल एक्स गिवन है। सो हमने यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? सो अभी हमें यहाँ पे ए बी पैरेलल टू सी डी गिवन है। सो ए बी पैरेलल टू सी डी गिवन है, और हमें यहाँ पे देखो एक ये लाइन मूव कर रही है। सो ये एंगल कितना है, 45 डिग्री। सो ये एंगल कितना होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, सो दोनों क्या होते हैं यहाँ पे, सेम होते हैं, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स दोनों सेम होते हैं, सो ये एंगल यहाँ पे कितना होगा, 45 डिग्री होगा, ठीक है। सो तीनों एंगल्स का जो सम है यहाँ पे कितना होगा, 180 डिग्री। सो हम वो प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, एक्स प्लस 50 प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एक्स के कितना आ जाएगा यहाँ से, 180 माइनस 50 प्लस 45 कितना होता है, 95 होता है। सो यहाँ से एक्स कितना आ जाएगा, 85 डिग्री। सो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है गाइस? सो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि कैसे हम इसको इजी वे के साथ कर सकते हैं। जस्ट इस जो ज्योमेट्री के क्वेश्चन है उसमें कुछ नहीं है, अगर आपको प्रॉपर्टीज आती हैं तो इसको आप कम से कम 2 सेकंड में या 3 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे कुछ लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, जो ज्योमेट्री के क्वेश्चन हैं बहुत ईजी हैं, जस्ट आपको प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पी क्यू पैरेलल टू आर एस। सो यहाँ पे जो लाइन है पी क्यू, ठीक है, ये पी क्यू लाइन है और ये आर एस, ठीक है, ये दोनों लाइन्स क्या हैं यहाँ पे, पैरेलल हैं। सो यहाँ पे हमें एंगल क्यू पी टी, सो हमें 115 डिग्री गिवन है, पी टी आर जो हमें 20 डिग्री गिवन है यहाँ पे।
हमने SRT ये जो बाहर वाला एंगल है ये हमने पता करना है कि कितना होगा, ठीक है गाइस। सो अब देखो यहाँ पे मैं इसको फिगर को ड्रॉ कर देता हूँ एक बार और। सो बेसिकली फिगर दिस वन ऐसे है, पी क्यू है यहाँ पे और यहाँ पे कितना है आर एस है। सो अगर मैं इसको पैरेलल लाइन से पीछे तक ड्रॉ करूँगा तो क्या होगा, ये एंगल कितना है 115 डिग्री। सो ये दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं। सो पैरेलल में क्रॉसबॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है ना। पैरेलल लाइन है जो जैसे ये क्रॉसबॉन्डिंग, ये एंगल किसके इक्वल होगा, इसके एंगल के इक्वल होगा, ये जो यहाँ पे एंगल होगा इस एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉसबॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं। सो यहाँ पे 115 है, सो ये भी कितना होगा 115 डिग्री। सो ये एंगल कितना है यहाँ पे 20 डिग्री है, ठीक है। सो ये एंगल कितना आ जाएगा यहाँ पे, सो तीनों का सम 180 डिग्री के, 115 प्लस 20 प्लस इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको हमने ऊपर वाले को एक्स माना है तो इसको हम मान लेते हैं वाई मान लेते हैं, ठीक है। सो वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो y इज इक्वल टू 180, सो 115 माइनस प्लस 20 कितना होगा 135 इक्वल टू के उस साइड माइनस में जाएगा। सो y कितना आ जाएगा यहाँ पे 55 डिग्री आ जाएगा, क्लियर है गाइस। सो ये कितना आ गया 55 डिग्री, सो y कितना आ गया 55 डिग्री। सो ये एंगल हमने पता करना है। सो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है ना यहाँ पे। सो स्ट्रेट लाइन के ऊपर सो ऐसे ये एंगल, सो दिस वन, ये एंगल हमारे पास 55 डिग्री आया, तो ये एंगल हम पता कर लेते हैं ऊपर वाला। सो यही हमारा आंसर होगा। सो इसको हमने एक्स माना है प्लस 55, दोनों एंगल्स का सम कितना है 180 डिग्री। सो यहाँ से एक्स कितना आ जाएगा 180 माइनस 55, दैट इज 135 डिग्री। सो ये हमारा क्या आ जाएगा गाइस आंसर, दैट इज यहाँ से जो एक्स की वैल्यू है वो 135 डिग्री आ जाएगा, क्लियर है गाइस। सो आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे ए ओ बी आर थ्री पॉइंट्स ऑन अ लाइन सेगमेंट, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट है उसके ऊपर यहाँ पे तीन पॉइंट्स लाई कर रहे हैं। सी इज नॉट इज अ पॉइंट नॉट लाइंग ऑन ए ओ बी, सो ए ओ बी, ठीक है। सो सी यहाँ पे इसके ऊपर नहीं लाई कर रहा, मतलब कि यहाँ पे कहीं ना कहीं ऊपर लाई करेगा। सो आगे देख लेते हैं एंगल ए ओ सी कितना है 40 डिग्री। सो अभी हम इसको मिला देते हैं। सो ये एंगल सी है, एंगल ए ओ सी कितना है यहाँ पे 40 डिग्री है, क्लियर है। एंड ओ एक्स एंड ओ वाई आर द इंटरनल एंड एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ ए ओ सी, ए ओ सी के इंटरनल, इंटरनल ये हो जाएगा बाइसेक्टर यानी कि एक्स है ओ एक्स, ठीक है। एक्सटर्नल इसके बाहर का जो बाइसेक्टर होगा वो क्या होगा, दिस वन होगा, ठीक है। सो इसको ओ वाई है, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पता करना है, एंगल बी ओ वाई पता करना है कितना होगा, बी ओ वाई मतलब कि ये एंगल पता करना है हमने कितना होगा, इसको हम मान लेते हैं एक्स, क्लियर है गाइस। सो यहाँ पे देखो ये एंगल कितना है 40 डिग्री, सो ये एंगल कितना होगा यहाँ पे, टोटल स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री, ये 40 है तो ये कितना होगा 140 डिग्री, क्लियर है। अभी जो बाइसेक्टर एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं ये पता होना चाहिए, बाइसेक्टर एंगल्स होते हैं जो कि दोनों एंगल्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, क्लियर है। अगर ये टोटल एंगल कितना है 140 डिग्री है, दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, सो इक्वल पार्ट्स में ये 70 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 70, सो ये 70 डिग्री ये भी 70 डिग्री हो जाएगा। लेकिन हमने यहाँ पे पता क्या करना है, एंगल बी ओ वाई, सो बी ओ वाई, सो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, एंगल बी ओ वाई 70 डिग्री। सो यही हमारा क्या होगा गाइस आंसर होगा, क्लियर है। सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा क्वेश्चन, अदरवाइज आप इसको रिवर्स करके फिर से चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझको पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, अदरवाइज आप जो फेसबुक पेज है उसको लाइक कर सकते हैं जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो वहाँ पर आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी आप कोई भी डाउट्स हैं वो मुझको बता सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन फिगर ट्राइंगल ओ डी सी, ओ डी सी ये ऊपर वाली जो ट्राइंगल है और नीचे वाली ओ बी ए, ये दोनों क्या हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। सो यहाँ पे एंगल बी ओ सी,
बी ओ सी ये बाहर वाला एंगल 125 गिवन है, सी डी ओ, सी डी ओ 70 डिग्री गिवन है। सो हमने यहाँ पे फाइंड करना है एंगल डी ओ सी, डी ओ सी। सो ये एंगल हमने पहले पता करना है। सो यहाँ पे देखो कि जो स्ट्रेट लाइन होती है इसके ऊपर दोनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। सो ये 125 है, ये स्ट्रेट लाइन है यहाँ पे, ठीक है ना, जो लाइन बी डी है, लाइन बी डी है, ठीक है। सो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, सो दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। सो हम इसको मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं एक्स। सो एक्स प्लस 125 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो यहाँ से एक्स कितना आ जाएगा, 180 माइनस 125, दैट इज, सो यहाँ से जो हमारा एक्स है वो कितना आ जाएगा, 55 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है? सो ये तो हमारा आ गया वैल्यू एक्स की, ठीक है, मतलब कि दिस पोर्शन दैट इज 55 डिग्री, ये क्या एंगल डी ओ सी। आगे हमने डी सी ओ निकालना है, डी सी ओ मतलब ये वाला एंगल निकालना है, डी सी ओ जो सेंटर में है, ठीक है। सो तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, यहाँ पे ट्राइंगल है 180 डिग्री। सो 70 प्लस यहाँ पे हमने एक्स निकाला 55 डिग्री। सो इसको हम जो एंगल डी सी ओ है इसको हम मान लेते हैं वाई मान लेते हैं। सो वाई मान लेते हैं इसको इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो वाई इज इक्वल टू 180। सो 70 प्लस 55 कितना होगा, 125, ये इक्वल टू के उस साइड माइनस में हो जाएगा। सो वाई की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 55 डिग्री। सो यही क्या है हमारा एंगल डी सी ओ। क्लियर है गाइस? सो एंगल डी सी ओ हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे, 55 डिग्री। आगे क्या है एंगल ओ ए बी, ओ ए बी। सो हमने एंगल ओ ए बी यहाँ पे क्या करना है, पता करना है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो कि जो अभी हमने डी सी ओ एंगल निकाला, डी सी ओ कितना निकाला है, 55 डिग्री निकाला है। सो ये एंगल, ठीक है, यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन है, दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये दोनों एंगल्स क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और ये दोनों एंगल्स क्या होते हैं, यहाँ पे इक्वल्स होते हैं। सो ये अगर 55 डिग्री है, ठीक है, तो ये भी कितना होगा, 55 डिग्री होगा, ठीक है। सो यहाँ पे जो हमारा एंगल ओ ए बी ये कितना आ जाएगा, 55 डिग्री आ जाएगा। सो यहाँ पे जो तीनों एंगल्स हमने पता किए हैं वो तीनों एंगल्स क्या आएंगे, 55 डिग्री के ही आएंगे। क्लियर है गाइस? सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा गाइस। सो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके बताएं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या आपको कोई भी डाउट्स हैं इस चैप्टर के रिगार्डिंग, ठीक है, ज्योमेट्री जो अभी हमने ये पार्ट किया। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस। सो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।